posso fare per mattina? Roll. Sole. Action. हाँ ठीक है, ये गा गई हैं, ये मैं ले लूँगा एक क्लोज बाद में। अंदर से आवाज आई आसिफ भाई की, बेबी मेरे हाथ आटे में है। फिर इन्होंने भी गा दिया। इन्होंने मेरी बहन को छेड़ा है। अब देखिए,
और अब इन्हें लल्ली से चलते यहाँ से लेते हैं राजीव भाई, उसकी जो जो म्यूजिकलिटी है वो कम कर दीजिए। नहीं नहीं बहन जी, वो अच्छा, नहीं नहीं बहन जी, अब यार नहीं छेड़ा है, इन्होंने मेरी बहन को छेड़ा है, अब तो इनको लल्ली से शादी करनी पड़ेगी, वरना लल्ली ने नस काट लिया ना तो हमको इनको टहलाना पड़ेगा और वापस जेल जाना पड़ेगा। आप समझ नहीं रही, हस्बैंड है मेरे। ये समझ रहा हूँ बहन जी, तो तलाक दे दो इनको। और जीजा ये रखा है शगुन, शगुन स्वीकार करो और शादी की तैयारियां शुरू कर दे, हम लोग फिर आते हैं। आ जाओ हाथ की बोलने की जरूरत नहीं है, नस काट देंगे बस। चल रोलिंग, पैर छूने से लो श्रद्धा। हाँ एक्शन, नस काट लेंगे। हाँ आ जा लड़की, चल ओके सही है। हाँ एक छपरा ले गया। हाँ जी सारे छपरा ला रहे भाई, हमने पीछे एक्शन। एपी आई टोल्ड यू मेरे हाथ आटे में है यार, क्या हुआ क्या? ये बिटन बोलती, ये लीजिए ये आ गए। अरे बेटा इसको देख के रिएक्ट करके और गौर से भी शुरू करना। रोलिंग एक्शन, देखो ये भी देखो एक्शन। बेबी आई टोल्ड यू मेरे हाथ आटे में है यार। हां ओ गॉड, अभी नहीं। ये बटन बोलते, ये लीजिए ये आ गए। अनीता, व्हाट बटन है? ये छट्टन बोलता है, ए जीजा लल्ली को बहन जी क्यों बुला रहे हो? तो क्या बुलाऊं, माता जी? ये छट्टन बोलता है, बहन जी तो ये है तुम्हारी जीजा। अनीता, क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये मेरे हस्बैंड है। ना ना ना, जे हस्बैंड तो लल्ली के होने वाले हैं। क्या आप पागलखाने से छूट के आए हैं? नहीं नहीं नहीं, पागलखाने से नहीं, जेल खाने से छूटे हैं अभी एक महीने पहले ही। वो क्या है, एक लड़के ने हमारी बहन का दिल तोड़ दिया था, हमने बहुत उसके हाथ पैर जोड़े, मान मनोवल किया, माना ही नहीं। उस कंटोपे के चक्कर में लल्ली ने अपने हाथ की नस काट ली। लल्ली हाथ दिखाओ तो जरा अपना। तो क्या हुआ कि ये हमसे बर्दाश्त हुआ नहीं और हमने टहला दिया उसको। अनीता बोलती है, टहला दिया मतलब? ऊपर ऊपर टहला दिया। ये बिट्टन बोलती है, भैया अगर इन्होंने हमें धोखा दिया ना तो हम अपने हाथ की नस काट लेंगे। ये छुट्टन बोलता है, अरे लल्ली अब तुम चाहती हो कि इनको भी हम टहला दे क्या? हैं, थोड़ा सबर रखो लल्ली। देखिए देखिए भाई साहब, मैं टहलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड, देखिए भाई साहब मैं टहलने में ना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और एज यू कैन सी कि मैं एक बड़ी शरीफ किस्म का आदमी हूँ। अच्छा जीजा, अच्छा जीजा, हैं लल्ली ने बताया कि तुम उसके साथ सरेआम डुएट सॉन्ग गा रहे थे और अब शरीफ बन रहे हो। यानी तो आपसे बोलती है, विभू तुम इसके साथ डुएट सॉन्ग गा रहे थे? इन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा, मैंने इनको एड्रेस तरन्नुम में बताया, तरन्नुम में। हाँ उसने मुझसे एड्रेस पूछा था, मैंने तरन्नुम। हाँ लड़ी अनीता का क्यों दो अभी नहीं जी। विभू तुम इसके साथ डुएट सॉन्ग गा रहे थे? एक्चुअली इन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने एड्रेस तरन्नुम बता दिया। छुट्टन बोलता है, यार अजीब बात कर रहे हो जीजा, हैं कोई गाकर एड्रेस बताता है क्या? ये अनीता बोलती है, वो क्या है ना कि हमने एक म्यूजिकल अभियान छेड़ा है। तो छुट्टन बोलता है, नहीं नहीं इसने हमारी बहन को छेड़ा है और अब इससे लल्ली से शादी करनी ही पड़ेगी, और नहीं तो खामखा लल्ली अपने हाथ की नस काट लेगी और फिर हमें इनको टहलाना पड़ेगा और फिर जेल जाना पड़ जाएगा। तो अनीता बोलता है, अरे लेकिन ये मेरे पति हैं। छुट्टन बोलता है, तो तुम इन्हें तलाक दे दो और जीजा जे शगुन रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। चलो लल्ली ओके बहुत बहुत स्वागत है, हमेशा कुछ नया नया टेस्ट होता, लेकिन इस बार तो अजीब सा टेस्ट हो गया, मतलब सडनली आप जबरदस्ती कोई कह रहा तलाक दे करके, आप क्या हो रहा है? एक्चुअली ये एपिसोड ऐसा है कि इसमें हम मैंने रियलाइज़ किया कि हम सब लोग बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी बिता रहे हैं, इसीलिए हम सबको म्यूज़िक अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए क्योंकि म्यूज़िक से स्ट्रेस ख़त्म होता है। तो अब हम आप देखिए कि इस पूरे एपिसोड के दौरान, इस पूरी कहानी के दौरान हम सब एक दूसरे से गाने में बात करते हैं, गागा के बात करते हैं। तो कुछ भी कहना होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँगी विभू दरवाज़ा खोलो तो मैं गाऊँ कौन आया मेरे घर के द्वार,
तो ऐसा करके वो मुझे जवाब देगा फिर मैं उसको जवाब दूंगी। तो इसी चक्कर में गलती से जो एक लड़की है वो विभू पर फिसल जाती है, जो एक्चुअली लड़की मेरे भाई जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो विभू को समझ लेती है, और उसके बाद जो हंगामा होता है उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है सामने से आपको हाँ, वो जो उसके जो लड़की के जो भाई हैं वो एक्चुअली जेल में घूमे घामे एक बहुत ही छठे हुए और पहुँचे हुए पॉलिटिशियन हैं, और जो भी लड़का जो है उसको पसंद करता है वो उसको पसंद करती है, तो वो अपनी नस काट लेती है और ये लड़के को ऊपर पहुंचा देते हैं, जेल चले जाते हैं, और वो मुझसे कह रहे हैं कि आप तलाक दे दीजिए अपने हस्बैंड को, कि ये तो अब मेरी बहन का ही पति है। ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये आप एपिसोड में देखिए कि एक्चुअली फिर होता क्या है। इसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा।